2019 में जो अभी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इस कॉन्फ्रेंस ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंडिया के मेजर एरियाज़ को कवर किया है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो एरियाज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के, VLSI, सिग्नल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन मेजर एरियाज़ को इसको कवर किया है। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे पूरे विभाग ने डे एंड नाइट बहुत ही मेहनत किया है, और विभाग में इस समय 24 फैकल्टी मेंबर्स हैं डिफरेंट लेवल्स पे, और इन सभी ने पूरा मेहनत से इसको कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया, और हमारे वॉलेंटियर्स MTech और PhD स्टूडेंट्स ने भी इसमें बहुत ही योगदान दिया है। और हम लोग का जो, जैसा कि मैंने अनाउंस किया कि हम लोग 2020 में भी इस विकास को ऑर्गेनाइज करेंगे, और इसकी डेट्स हम शॉर्टली अपनी वेबसाइट पर अनाउंस करेंगे। इसमें देखो तीन एरियाज की बात कहे हैं, और तीन एरियाज से कितने पेपर पब्लिश किए जाएंगे और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 67 पेपर्स इसमें हम लोग के दिए गए हैं, बाकी आए तो 109 के करीब पेपर थे, उसमें से 67 पेपर को हम लोग ने सेलेक्ट किया है, और करीब 60 पार्टिसिपेंट्स इसमें अभी तक रजिस्टर किए हैं। अपना परिचय देना सर। मैं अमित धवन हूँ, और मैं प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और प्रेजेंटली हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसका क्या उद्देश्य था और कहाँ से आया? ये हमारे इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं, तो इसमें जैसे हम लोगों पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो जितने भी पार्ट्स हैं सभी टॉपिक को हमने कवर किया है। इसको वाइड स्पेक्ट्रम में हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड VLSI। VLSI डिज़ाइन मीन्स सिग्नल प्रोसेस होगा कम्युनिकेशन में है, और ग्रास रूट लेवल VLSI पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस पूरे को कवर किया हुआ है। टोटल हमने इसमें 107 पेपर रिसीव किए थे, जिसमें 67 सेलेक्ट हुए हैं, जबकि आउट ऑफ दिस 60 रजिस्टर्ड भी हुए हैं। और ये तो कॉन्फ्रेंस का है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूरे इंडिया से काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, काफ़ी जगह से स्टूडेंट्स आए हैं, तो हम इसमें 5 इनवाइटेड लेक्चर्स करवा रहे हैं, जिसमें VLSI पे भी है, IoT पे है, 5G पे है, और इसके अलावा 3 वर्कशॉप्स भी चल रही हैं, अभी आफ्टरनून से स्टार्ट हो जाएंगी जो कि डिपार्टमेंट में चलेंगी, और एक ट्यूटोरियल भी हम कवर करा रहे हैं। आज मैम किसका आगमन था, आज कौन आया? अभी हमारा इसके बाद जो है, इसके बाद हमारा एक लेक्चर है जो कि DRDO से आए हैं, दिनेश कुमार से, वो लेक्चर देंगे, और आफ्टरनून में हमारे यहाँ इमेज प्रोसेसिंग पे एक वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी। अपना परिचय दे देंगे। मैं प्रोफेसर विद्या बदौरिया। सिग्नल प्रोसेसिंग पे क्या नई चीज़ों पे यहाँ चर्चा की जाएगी? एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे जो है, मैं VLSI से हूँ, सिग्नल प्रोसेसिंग में भी कैसा आप आपको बताएंगे। मैम अपना परिचय। मैं प्रोफेसर विद्या बदौरिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, और 1986 में यहाँ पे सर्व कर रही हूँ एज ए फैकल्टी, और 1980 में मैं इस कॉलेज में आई थी एज ए स्टूडेंट। थैंक यू। यस सर। एक्चुअली सिग्नल प्रोसेसिंग हमारा जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें मेनली तीन चीज़ों में फोकस है, VLSI, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन। सिग्नल प्रोसेसिंग में डिजिटल फिल्टर्स, डिजिटल DSP एल्गोरिथम्स, डिजिटल हार्डवेयर, इवन हम लोग का एक वर्कशॉप भी है DSP प्रोसेसिंग। नहीं नहीं सर, जिस तरह से आज का नेटवर्किंग की जो समस्याएँ बढ़ रही हैं, और हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको निपटने के लिए किस तरह से तैयारी चल रही है, खास करके इंजीनियरिंग सेक्शन देखा जाए जहाँ पर पेपर पब्लिश किया जाए? हाँ, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो हमारा पेपर रिसीव है वो सारे एरिया से, कोई स्पेसिफिक और नहीं, स्पीच प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, मेरे लिए ज़्यादातर पेपर इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग का है, और हाउ टू डिजाइन डिजिटल सिग्नल, सिग्नल हार्डवेयर फॉर डिजिटल सिग्नल्स VLSI, उसके ऊपर कुछ प्रकाश है। अपना परिचय दे दें। मैं प्रोफेसर हनाथकर, मैं प्रोग्राम चेयर, एक सेट ऑफ द डिपार्टमेंट।